सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। देखो अंगद, अंगद गौतम सर, ठीक हो तुम? घबराओ मत, भाग गए गुंडे। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? जो तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर पा रहा। मैं किसी पे शक है, जब कोई अंदाजा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई इंसान हो जो जयपुर वाले फ्रॉड के पीछे था, और उसे लग रहा हो कि तुम उसे पब्लिकली एक्सपोज कर दोगी तो तुम्हें मारने की कोशिश की हो? हो सकता है। सृष्टि, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो हार्ड डिस्क में क्या मिला?
मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन किसी का तो नाम सामने आया होगा। सृष्टि, तुमने मुझे एक बार मैसेज किया था कि उस हार्ड डिस्क में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली और तुम मुझे मिलके बताने वाली थी, याद करो। मैसेज करते उन्हें। वो हाँ, हमने किया तो था आपको मैसेज, मगर वो हमने बिना हार्ड डिस्क चेक किए ही कर दिया था। हमें उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, मगर कुछ मिला नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है सृष्टि। एक तो तुम वैसे ही मुझसे दूर हो और फिर ये सब, ये एक्सीडेंट, आज वाला अटैक, मैं नहीं आता तुम। मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सृष्टि, तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने में हमें उतना ही मजा आता है जितना विराट कोहली को छक्का मारने में। कोई भी मौका छोड़ने का मन ही नहीं करता। सार्थक, ई है तुम्हारे और सृष्टि के तलाक के कागज। इन्हें देख के या तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा या फिर सृष्टि तुम्हारे सवालों के जाल में ऐसी फंसेगी कि रोती बैठेगी। तब दोनों ही सूरत में काम तो हमारा ही होगा। अरे किस बात के पैसे दो तुम लोगों को? एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। आगे देखा ना, पीछे लड़की पे हमला कर दिए। अरे कम से कम अंगद को तो देख लिया होते तुम लोग। पीजी एक्सर तुम लोग एक नंबर के काम बढ़ा दिया तुम लोगों ने मेरा। लड़की को मारा भी नहीं और प्रॉब्लम भी बढ़ गए मेरे। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब क्या करेंगे गौतम? एक के बाद एक हमारे सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं।
हाय सृष्टि, कहाँ से आ रही? यार कोई बात नहीं, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एनीथिंग अर्जेंट? ओ, तुम मॉम के बारे में कुछ बात करना चाहती हो, राइट? वेल, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम दोनों के बारे में। पर आपकी कोशिशें मैं अच्छी तरह नजर आ भी रही हैं। पर आज हमने ये भी देख लिया कि आप किस हद तक जा सकते हैं। ओह, भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो, मानना पड़ेगा। है हिम्मत, और उसी हिम्मत की वजह से आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी हम आए हैं यहाँ पर। बस ये कभी नहीं सोचा था कि कभी ये रूप देखने को मिलेगा हमें आपका। आप ऐसे तो नहीं थे, फिर क्या हो गया है आपको अचानक? अपने ही परिवार से आप कैसे दुश्मनी ले सकते हैं? एक मिनट सृष्टि, कोई चीज अचानक नहीं होता, और दुश्मनी मैंने नहीं, मॉम और रंगत ने की है मेरे साथ। इनफैक्ट इस सारे प्रॉब्लम की जड़ वो दोनों है, मैं नहीं। इस घर का बड़ा बेटा मैं हूं, लेकिन सारी खुशियां उस कुसंगत के झोली में आकर गिरती है। मॉम डैड के प्यार से लेकर बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ कुसंगत का ही तो है। मेरा क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ ब्लडी केयर टेकर। घर का बड़ा बेटा हूं ना मैं, अंगद का बड़ा भाई, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं बस एक नौकर हूं उस घर में। इनफैक्ट उस अंगद का नौकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आपने कभी अंगद से बात क्यों नहीं की? जानते हैं ना आप उन्हें, हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे। फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार भी उनसे कहा होता ना, तो वो आपके लिए खुशी खुशी अपनी कुर्सी छोड़ देते। Really? In fact, उन्हें इस प्रॉपर्टी सीईओ बनने से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो एक एम्प्लॉई बनकर ही खुश थे। हम जानते हैं सुधा मैम की जिद की वजह से उन्होंने ये कुर्सी को अपनाया है। सुधा मैम? मॉम की जिद की वजह से? Of course. तुम्हारी लालच की वजह से सृष्टि, तुम्हारी लालच की वजह से अंगद इस कंपनी का सीईओ बना। अरे मैं तो मॉम, अंगद और बिजनेस को संभाल ही रहा था अच्छी तरह से, लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि अंगद इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर काम करे। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सृष्टि, लेकिन जब मुझे दिखा कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, तब मुझे भी तुमसे प्रॉब्लम होने लगी। उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम शातिरी नहीं बल्कि लालची किस्म की लड़की हो। पैसों के लिए तुमने अंगद को फंसाया ना, क्योंकि तुम जयसवाल ग्रुप की मालकिन बनना चाहती थी। अंगद को तो तुमने हासिल कर ही लिया था, लेकिन तुम धीरे धीरे पैसे, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ हासिल करना चाहती थी सृष्टि, लेकिन यही तुम्हारी गलती थी, क्योंकि तुम मेरे सक्सेस और सपनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। इसीलिए मैंने तुम्हारा ये हश्र किया सृष्टि। ऐसा लगता है आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और उस गलतफहमी की वजह से आप बहुत गलत कर रहे हैं। हम अंगद से शादी करना चाहते हैं, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दिल से चाहने लगे हैं उन्हें, इसलिए नहीं कि उनके पास इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो कंपनी के सीईओ है। ये सब हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। रही बात अंगद की, आप जानते भी हैं आपको कितना मिस करते हैं वो, कितना याद करते हैं आपको, सुधा मैम को,
प्लीज आप ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दीजिए और उन्हें वापस घर ले जाइए। आप उन्हें हमसे ज्यादा जानते हैं ना, फिर भी हम आपसे कह सकते हैं कि वो सपने में भी आपसे आपका हक छीनने के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो क्या मेरा हक छीनेगा, मैं उसे कुछ दूंगा ही नहीं। ये सब कुछ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप पर इतना भरोसा करते हैं, और आप बदले में क्या कर रहे हैं? उनको इतना बड़ा धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं? उनके बारे में ऐसा सोचते हैं आप? नहीं, जो गलत है वो गलत है। अगर आपने उन्हें ये बात अपने मुंह से नहीं बताई तो ना चाहते हुए भी ये बात हमें उन्हें बतानी पड़ेगी। मैं डर गया सृष्टि जी, मैं डर गया। अरे जाओ जाकर बता दो उसे, बता दो सब कुछ अंगद को। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तब तक अंगद मेरे साइड रहेगा। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अगर भगवान भी आ जाए ना और मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए तो भी अंगद मेरे साइड में रहेगा, क्योंकि किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। समझ गई तुम? जाओ बोल दो उसको। ठीक है, फिर आप देख ही लीजिए, क्योंकि सच को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, सच अपना रास्ता खुद बना लेता है। देखते हैं कि आपका ये धोखा जीतता है या हमारा भरोसा, आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस जीतता है या फिर हमारा विश्वास। सोई का कुंभकर्ण, सारी नींद आज ही पूरी करेगा का? अब तो जा। ये हुई ना बात, देख लिए सार्थक ने तलाक के कागज, अब तो उसकी याददाश्त जरूर वापस आएगी।
सृष्टि, ये सब क्या है? ये डिवोर्स पेपर? बात यहां तक पहुंच गई और हमें खबर तक नहीं। क्यों सृष्टि, हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? अरे तलाक जैसा इतना बड़ा फैसला, क्या हमारी राय कोई मायने नहीं रखती?